What's up guys? तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डेमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक बुक पढ़ती है, जिसके बाद हमें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर आइक के बारे में बताया जाता है, जो कि डेमन लॉर्ड की आर्मी के 7th ग्रुप का कमांडर था। वो मास्टर मैजिशियन रॉमबर्ग का ग्रैंडसन था। हम देखते हैं कि एक सिटी में डीमंस और ह्यूमंस के बीच बैटल चल रही होती है, जहां हमें आइक को दिखाया जाता है। अब ये बैटल करीब 1 वीक से चल रही होती है, जिसे जल्द से जल्द ख़त्म करने के इरादे से आइक ह्यूमंस की आर्मी के लीडर के पास चला जाता है। वो लीडर आइक से बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम डेमन लॉर्ड की आर्मी के कमांडर हो, जिस पर आइक खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो आइक है, डेमन लॉर्ड की आर्मी के 7th ग्रुप का कमांडर। अब यहाँ पर आइक उसे 3 ऑप्शंस देता है। फर्स्ट, सरेंडर करो और अपनी टेरिटरीज हमें सौंप दो। सेकंड, खुद को अपने हाथों से मार लो लाइक अ मैन ऑफ ऑनर। एंड थर्ड, जब तक मैं खिड़की से नज़ारे को देख रहा हूँ तब तक तुम यहाँ से दुम दबा के भाग लो। जिस पर वो लीडर आइक से कहता है कि ये डीमंस को ज़्यादा ही मर्सी नहीं दिखा रहे, और फिर वो सीधा आइक पे अटैक कर देता है। बट आइक सिर्फ एक ही मैजिक अटैक से उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ आइक की आर्मी का एक ऑर्क सोल्जर आता है, जिस पर आइक बोलता है कि इसे हील करो, और जिन ह्यूमंस ने सरेंडर कर दिया है उन्हें भी हील करो। वो ऑर्क सोल्जर काफ़ी शौक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कमांडर सेफिरो ये सब मैजिक बॉल से देख रही होती है। वो बोलती है कि मुझे पता था कि इसके अंदर पोटेंशियल है, इसने सिर्फ 1 ही वीक में हमें इस बैटल को जिता दिया। आगे हम देखते हैं कि आइक एक मैजिकल बैरियर लगाता है उस रूम में, ताकि कोई ये ना जान सके कि वो एक ह्यूमन है, क्योंकि सबको यही लगता है कि आइक असल में एक डीमन है। फिर हमें आइक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि एक दिन मास्टर मैजिशियन रॉमबर्ग को एक बच्चा मिला, जिसे किसी ने छोड़ दिया था, और तब रॉमबर्ग उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे अपना सक्सेसर बना लेते हैं। वो उसे अपनी सारी नॉलेज और मैजिक सिखाते हैं, और अपनी लास्ट ब्रेथ पे उसे कहते हैं कि प्रॉमिस करो कि चाहे जो भी हो जाए, तुम अपना मास्क और रोब कभी नहीं उतारोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो डीमन किंग तुम्हें जान से मार देगा। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना ये एक डिजास्टर ले आएगा। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां आइक कहता है कि उस पावरफुल बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता, और मेरी परमिशन के बिना कोई भी इंटर नहीं कर सकता। बट तभी वो देखता है कि टेबल के नीचे मेड आउटफिट में एक छोटी सी बच्ची होती है, जो कि शायद तब से वहाँ थी जब आइक उस रूम में एंटर किया था। जिस पे आइक कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तब वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगी, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, सो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। और जब वो बच्ची ऊपर उठने की कोशिश करती है, तभी उसका सिर टेबल से टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब आइक सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैंने 20 साल से अपना सीक्रेट सबसे छुपाए रखा था, क्या वो इसी तरह सबके सामने आ जाएगा। बट तभी वो ऑर्क सोल्जर वहाँ आ जाता है। हम देखते हैं कि वो ऑर्क सोल्जर आइक से कहता है कि आपने इतने सारे ह्यूमंस को ज़िंदा क्यों छोड़ दिया, इवन बाकी सारे कैप्टन्स भी यही कह रहे हैं कि हमें इन ह्यूमंस को मार देना चाहिए। जिस पे आइक बताता है कि ये एक ट्रेडिंग सिटी है, और अगर हम यहाँ के सारे ह्यूमंस को मार देंगे तो यहाँ का टैक्स कौन भरेगा। जिस पे वो ऑर्क सोल्जर कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तभी वहाँ कुछ सिविलियंस आ जाते हैं, जो कहते हैं कि आइक समा, हमें डीमन किंग को कितना टैक्स देना पड़ेगा। जिस पे आइक कहता है कि उतना ही जितना पहले देते थे, उसे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ अगर तुमने डीमन लॉर्ड के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसकी बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। और तभी हम देखते हैं कि आइक अचानक से वहाँ से वैनिश हो जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आइक किसी डार्क रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी एक गोलेम उस पर अटैक कर देता है, और तभी आइक मौका देख के उस गोलेम पे एक पावरफुल मैजिक अटैक करता है, जिससे उस गोलेम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी पीछे से सेफिरो आती है और कहती है कि वो छोटा बच्चा जो कभी अपने ग्रैंडफादर मास्टर मैजिशियन रॉमबर्ग के पीछे छुप जाया करता था, आज काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं अपने बनाए इस गोलेम को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। और तभी हमें आइक के थ्रू सेफिरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि सेफिरो डेमन लॉर्ड की आर्मी के 7th कॉप्स की कमांडर है, जिसके अंदर आइक वर्क करता है, और यही एक ऐसी डीमन है जिसे आइक का सीक्रेट पता है। और फिर आइक कहता है कि आप मुझे एक मैसेंजर भेज के भी बुला सकती थी, ऐसे अचानक से समन करने से मैंने मना किया था ना, तुमने प्रॉमिस भी किया था। जिस पर सेफिरो कहती है कि नहीं, उसमें कोई भी मज़ा नहीं है, और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे। जिस पर आइक बताता है कि मैं आपको आर्सनम सिटी की रिपोर्ट देने की ही सोच रहा था,
जिसपे सेफिरो बताती है कि मुझे मेरे फैमिलियर से सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे तुमने सिटी पे टेक ओवर किया और उसके बाद क्या क्या किया। जिसपे आइक कहता है कि तो फिर आप मुझे यहाँ पे समन क्यों की। जिसपे सेफिरो कहती है कि डायरोकु टेनसामा तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। अब ये डायरोकु टेन और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है। तभी आइक शॉक हो जाता है कि आखिर ये ब्रिगेड कमांडर से डीमन लॉर्ड क्यों मिलना चाहेगा। जिसपे सेफिरो बताती है कि वो तुम्हारे रीसेंट अचीवमेंट से इम्प्रेस हैं, इसलिए। फिर सेफिरो कहती है कि मेरे कंधे पे हाथ रखो, मैं तुम्हें अपने साथ डीमन लॉर्ड के कैसल तक टेलीपोर्ट कर दूंगी। और फिर वो लोग सीधा कैसल के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची को होश आ गया होता है और उसे टेबल पे डंपलिंग्स के साथ एक नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि इसे खा लो और चुपचाप यहीं बैठे रहना, जो कि वो पढ़ तो नहीं पाती है लेकिन उन डंपलिंग्स को खा जरूर लेती है। सीन एक बार फिर से कट होता है और हम देखते हैं कि आइक और सेफिरो डीमन लॉर्ड के कैसल पे टेलीपोर्ट हो चुके थे और अंदर जाने के लिए उन्हें सिक्योरिटी चेक कराना होता है, जिससे आइक थोड़ा घबरा जाता है। जिसपे सेफिरो कहती है कि उसकी टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तभी सेफिरो स्नैप करती है और आइक के अराउंड एक मैजिकल ऑरा आ जाता है, जिसे देख के वो डीमन गार्ड कहता है कि वाह क्या मैजिक है, रॉमबर्ग के ग्रैंडसन से यही उम्मीद थी। जिसपे आइक कहता है कि क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर को जानते हो। जिसपे वो डीमन गार्ड कहता है कि हाँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर मास्टर मैजिशियन रॉमबर्ग को डीमन लॉर्ड की आर्मी में कौन नहीं जानता, वो इतने पावरफुल और इतने अच्छे मैजिशियन थे कि उन्हें कोई भूल ही नहीं सकता। और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। जब ये लोग अंदर जा रहे थे तब हमें पता चलता है कि आइक के अंदर मैजिक है, बट वो उसे बाकी डीमंस की तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये भी पता चलता है कि जो न्यू डीमन लॉर्ड है वो प्रीवियस डीमन लॉर्ड से काफ़ी अलग है, क्योंकि जब ह्यूमैनिटी के साथ वॉर चल रही थी तब वो लोग हार रहे थे, लेकिन इस डीमन लॉर्ड ने आते ही बाजी पलट दी थी। ये डीमन लॉर्ड फ्रेंड और फोक किसी को भी मार सकता है अगर वो उसके लिए इनकम्पिटेंट है तो, और अगर ये किसी में कुछ वैल्यू देखता है तो उसे गुड यूज़ में डाल देता है, भले ही वो पर्सन मैजिक या फिजिकल स्ट्रेंथ में लैक कर रहा हो। ये डीमन लॉर्ड सिर्फ एबिलिटी देखता है और कुछ नहीं, यानी कि इसे बस रिजल्ट से मतलब होते हैं। आगे हम देखते हैं कि आइक अंदर जाता है, जहां हम डीमन लॉर्ड को ये कहते हुए सुनते हैं कि अच्छा तो तुम हो आइक जो सेफिरो के अंडर वर्क करते हो, रेज योर हेड। और जब आइक सिर उठाता है तो हम डीमन लॉर्ड को देख पाते हैं। अब यहां हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड असल में एक लड़की है। डीमन लॉर्ड कहती है कि तुम्हारा वर्क काफ़ी इम्प्रेसिव था, तुमने एक वीक में ही आर्सेनम कब्जे में ले लिया। जिसपे आइक कहता है कि इसका सारा क्रेडिट सेफिरो को जाता है, मैं तो बस इनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। जिसपे डीमन लॉर्ड कहती है कि लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन नेचर्ड नहीं हो, क्योंकि तुमने एक भी खून नहीं बहाया। जिसपे सेफिरो बताती है कि ये रॉमबर्ग का ग्रैंडसन है। जिसपे डीमन लॉर्ड कहती है कि अच्छा तो तुम रॉमबर्ग के ग्रैंडसन हो, इसलिए तुम्हारे थॉट्स इतने डीप हैं। तभी आइक कहता है कि डीमन लॉर्ड क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। जिसपे डीमन लॉर्ड कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिसपे आइक बताता है कि प्रीवियस बैटल्स में मैंने देखा कि जिन सिटीज़ के लीडर्स को मार दिया गया था और जिन सिटीज़ के लीडर्स को छोड़ दिया था उनमें काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि जिन सिटीज़ के लीडर्स को छोड़ दिया गया था वहाँ से हमें काफ़ी प्रॉफिट मिला था। जिसपे डीमन लॉर्ड कहती है कि क्या ये भी रॉमबर्ग का ओपिनियन था। जिसपे आइक कहता है कि हाँ। अब यहाँ पे आइक समझ जाता है कि रॉमबर्ग की तरह इस न्यू डीमन लॉर्ड को भी एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी नॉलेज है, और उसी नॉलेज का यूज़ करके इसने डीमन आर्मी को रेवोल्यूशनाइज किया था। तभी हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड आइक के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम सच में बाकी डीमन से डिफरेंट हो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे मास्क के पीछे का रियल फेस देखना चाहूँगी। और फिर वो आइक को वर्क हार्ड कह के वहाँ से चली जाती है। तभी आइक अपना मास्क हटाता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है, क्योंकि उसकी बहुत बुरी तरह से फट चुकी थी। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि आज तो मैं गया काम से, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि मैंने मास्क पहना हुआ है। जिसपे सेफिरो कहती है कि शुक्र बनाओ कि उन्हें ये नहीं पता चला कि तुम एक ह्यूमन हो। सेफिरो कहती है एनीवेज उन्होंने तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया है। जिसपे आइक कहता है कि रिवॉर्ड। जिसपे सेफिरो कहती है कि हाँ, बट मुझे तो ये पनिशमेंट के ज़्यादा क्लोज लगता है। फिर हम देखते हैं कि आइक उस छोटी बच्ची के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो बच्ची सो रही होती है। बट तभी अचानक से वो बच्ची उठ के आइक से माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। जिसपे आइक कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मार रहा। और फिर वो उसका नाम पूछता है, जिसपे वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम 13 है। जिसपे आइक कहता है कि 13 ये कैसा नाम है। वो बच्ची बताती है कि स्लेव्स को हमेशा नंबर्स से रिफ़र किया जाता है, बट मेरी मॉम मुझे साथी कह के बुलाती थी। तभी आइक कहता है कि अब जो तुमने मेरे ह्यूमन होने का सीक्रेट जान ही लिया है तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जिसपे साथी रोते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो।
तभी आइक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मार रहा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए वर्क करना होगा। अब से तुम मेरी मेट रहोगी। इस पर साथी भी हाँ कह देती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आइक इवालियस का रूलर बन चुका है। हम देखते हैं कि सेफिरो ने उसे कहा था कि इवालियस फ्रंट लाइंस में रहेगा और वो जगह हमारी आर्मी के लिए क्रिटिकल है, इसलिए तुम्हें उसे मैनेज करना होगा और वहाँ से 2 गुना ज़्यादा टैक्स निकालना होगा। फिर हम देखते हैं कि आइक अपनी डीमन आर्मी को वॉल्स रिपेयर करने का ऑर्डर देता है, बट तभी उसे पता चलता है कि उन वॉल्स को रिपेयर करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, जिस वजह से आइक सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर बैटल शुरू हो गई तो वो लोग तुरंत ही मार दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वॉल्स को रिपेयर करना होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम इसे 1 मंथ में ख़त्म करेंगे, जिस पे उसका ऑर्क सोल्जर शॉक होके कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आइक ने ह्यूमंस और डीमंस को एक साथ काम पे लगा दिया होता है, जिससे काम जल्दी हो जाए, और उसने 8 आवर्स वर्क शिफ्ट बनाया होता है ताकि 24 आवर्स वर्क चलता रहे, और वो उन्हें काम करने के पैसे भी देता था ताकि उनका मोरल बढ़ता रहे। आइक की ग्रेटनेस देख के उसका ऑर्क सोल्जर कहता है कि आइक सामा सच में बहुत ही अच्छे कमांडर हैं, और मैं श्योर हूँ कि आइक सामा ही अगले डीमन लॉर्ड बनेंगे। और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए